सहनवृतु सहनौ भुनक्तु सह करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु विशावहई ओम व्रतानाम व्रतपति व्रतम चरिशामि अच्छकियं तन्मेराध्यतां एदा महामन्ृतात् सत्यमुपईमि ओम शान्ति शान्तिः शांत शांत वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड हम पढ़ रहे हैं त्रैहत सर्ग आज प्रारंभ करेंगे पिछले सर्ग में राम लक्ष्मण सीता माता वन गमन के लिए तैयार हैं और वन में जाते समय माता कौशल्या माता सीता को उपदेश देती हैं जो केवल सीता माता के लिए नहीं प्रत्येक आत्मा के लिए वो धारण करने योग्य है कल भी हमने चर्चा की थी कि जिसको अपने जीवन का उत्थान करना है तो उसको एक तत्व की साधना करनी चाहिए महर्षि पतंजलि भी वही कह रहे हैं तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास क्योंकि एक ही तत्व जब हमारे सामने रहेगा तो एक ही तत्व से संबंधित विचार भाव हमारे हृदय में भरे रहेंगे आज भी सुबह सुबह श्रद्धे स्वामी जी महाराज योग शिविर में बता रही थे आप में से किसी ने सुना हो तो वो श्रद्धे स्वामी रमन देती वाले महाराज जी हैं उनका उदाहरण दे के बता रहे थे कि वो ऐसा बताते हैं कि या तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं एक जगह के ऊपर तो अनन्य श्रद्धा होनी चाहिए गुरु के ऊपर भगवान के ऊपर किसी भी शास्त्र के ऊपर जैसे किसी की गीता के प्रति अन्य श्रद्धा होती है किसी की योग दर्शन के प्रति किसी की रामायण के प्रति किसी की रामचरित मानस के प्रति कहीं ना कहीं कि उसमें जो लिखा है बस उससे इधर या उधर मुझे नहीं होना है तो ये अपने चित्त को एकाग्र करने का और हमारे चित्त में जो विचारों की एक भीड़ एक तूफान चलता रहता है जिसने हमें बिल्कुल बेहोश जैसे बना रखा है हम सजग नहीं हैं अपने ही जीवन के प्रति अपने ही कार्यों के प्रति करते जरूर हैं सजग नहीं हैं लेकिन तो ये इसलिए होता है क्योंकि चित्त अनेक दिशाओं में बिखरा हुआ है अनेक अनेक प्रकार के विचार हमारे चित्त में चलते ही रहते हैं आहरनिश चाहे हम अकेले में रहें चाहे हम किसी के साथ रहें पर हम हमेशा भीड़ के साथ ही होते हैं अकेले में हमारे मन मस्तिष्क में भीड़ चल रही होती है और फिजिकली भीड़ में होते हैं तब तो है ही भीड़ में हम तो साधक को कल मैं अपने योग दर्शन की कक्षा में अपने भाइयों के साथ चर्चा कर रही थी कि व्यक्ति को ना सबसे पहले जो साधन करना चाहिए वो मौन रहने का अभ्यास करना चाहिए मौन वाणी से भी और मन से भी मन से मौन रहना ये तो गीता में बताया है उसको मन का तप बताया है तो मन का मौन ये ही है कि व्यक्ति के मन में चित्त में अनेक अनेक प्रकार के विचार ना चलें एकाग्र चित्त उसी को ही तो कहेंगे एकम अग्रम यस्य चित्तस्य कोई एक तत्व आगे है जिस चित्त के तो उस चित्त को एकाग्र कहेंगे तो एक ही तत्व अब जो सबसे ज्यादा समझदार हैं वो तो भागवत तत्व को आगे रखते हैं तदेव आलम्बनम श्रेष्ठम तदेव आलम्बनम परम सबसे परम आलंबन वही है तो वो तो जो कुछ भी करते हैं संसार में वो सब भगवत नाते करते हैं वो किसी व्यक्ति को देखते हैं किसी वस्तु को देखते हैं किसी कुत्ता बिल्ली प्राणी को देखते हैं सब में उनको भगवत्ता दिखाई देती है उनकी तो दृष्टि ही चेंज हो जाती है जैसे अर्जुन की चेंज हो गई थी ना नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा क्योंकि पहले वाली दृष्टि से तो उसको कहीं कौरव दिखाई दे रहे थे कहीं पांडव दिखाई दे रहे थे कहीं कृष्ण दिखाई दे रहे अलग अलग दिख रहे थे और बाद में उनको कहते हैं ना कि कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया तो वो तो समझाने के लिए अलंकारिक वर्णन है साधक की दृष्टि ऐसी हो जाती है कि उसको सब जगह वही वही दिखाई देता है सब जगह सब वस्तुओं में सब व्यक्तियों में सब संबंधों में सब प्राणियों में जड़ में भी चेतन में भी तो ये तो सबसे ही समझदार लोगों की पहचान है जो सब जगह भगवान को देख पाई सब जगह यदि उसकी अनुभूति हमें नहीं होती है अभी हमारी नहीं है ऐसी योग्यता तो फिर जो उनके भक्त हैं भगवान के जो भक्त हैं उनके साथ हम अपना संबंध जोड़ें और यदि हम उस रास्ते पे भी नहीं चल रहे हैं हमारी नियति हमें कहीं घर गृहस्थी के रास्ते पर चलने के लिए बाधित कर रही है तो फिर वहां पर पति पत्नी एक दूसरे के लिए अपने चित्त को एकाग्र करके रखें तो ये उपदेश सभी के लिए सार्थक था ये हमने कल पढ़ा और इसमें माता ने जब समझाया और सीता जी ने भी वैसा ही उनको रिस्पॉन्स दिया तो श्री राम कहते हैं कि माता जी अब आप दोनों की चर्चा संपन्न हुई बस अब आप सीता की या हमारी चिंता ना करें हम बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे ये चौदह वर्ष ऐसे ही बीत जाएंगे जैसे आंख बंद करने के बाद बहुत जल्दी सवेरा हो जाता है और खास करके जो आप जैसे युवावस्था के साधक हैं नींद तो अच्छी आती है पता ही नहीं चलता है कि कब चार बज गई तो लगता है कि थोड़ी सी देर से चार बजा करते तो ज्यादा अच्छा होता दो घंटे बाद बजे तो अच्छी बात है वैसे ये हमने बना रखे हैं, ठीक है ऐसा ही हम सुनते आए हैं कि ऋषि ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे आप यदि वैसे प्रकृति को देखेंगे तो बराबर का टाइम है गर्मी में तो थोड़ा सा बड़ा ही हो जाता है सर्दी में थोड़ा सा अंतर होता है नहीं तो आप सुबह जैसे सूर्योदय हो जाता है छे छे आजकल, साढ़े अस्त हो जाता है 6 बजे तो बारह ही घंटे हुए ना तो जब जब सूर्य रहता है उसकी उपस्थिति में कोई भी सेवा करना अलाउ है बाकी के समय में ध्यान भजन करो विश्राम करो लेकिन हमने लाइटें जला ली अब हम बारह बजे एक बजे तक भी विश्राम करते नहीं है सुबह भी जल्दी उठ जाते हैं क्योंकि लाइट है तो ठीक है जो जितना मनुष्य शरीर में ज्यादा करेगा तो उसको ज्यादा मिलेगा अधिकस से अधिकम फलम तो इन्होंने कहा कि आप चिंता ना करें ये तो बहुत जल्दी बीत जाएंगे तो जब व्यक्ति किसी अपनी प्रतिकूलता को फेस कर लेता है तो वो छोटी हो जाती है फिर और जब तक उससे भागता है वो बड़ी होती चली जाती है जब तक उससे झगड़ा करता है समस्या से तो उसका आकार बढ़ता चला जाता है छोटी बात का ही और फिर वो इतनी बड़ी हो जाती है कि व्यक्ति वहां रह नहीं सकता है उसको सह नहीं सकता है फिर कुछ ना कुछ और निर्णय लेना पड़ता है और जब वो उसको फेस कर लेता है स्वीकार कर लेता है तो फिर वो उससे बहुत छोटी हो जाती है वो व्यक्ति बड़ा है हमेशा महाराज जी हमें यही समझाते हैं कि मनुष्य की शक्तियाँ ज्यादा बड़ी हैं। समस्याएं बड़ी नहीं हैं। जीवन की समस्याएं सब छोटी हैं। कितनी भी बड़ी समस्या किसी के जीवन में क्यों ना हो तो श्री राम सीता के जीवन में इस परिवार के जीवन में सामान्य रूप से देखें तो बहुत बड़ी समस्या है पूरा शीर्षासन ही हो गया घर परिवार का लेकिन श्री राम कह रहे हैं कि कोई चिंता की बात नहीं है ये भी बहुत जल्दी बीत जाएंगे ये दिन भी किसी संत के वचन है दिस विल पास। ये वक्त भी बीत जाएगा अच्छे वाला चला गया तो ये थोड़ी रहेगा फिर ये भी चला जाएगा वक्त तो सारा ही बीत जाने वाला है पर हम उसके प्रति कितने जागरूक हैं आने वाली जो परिस्थितियां हैं उनको कितनी वैल्यू देते हैं अपनी शक्तियों को कितनी वैल्यू देते हैं भागवत शक्तियों को कितनी वैल्यू देते हैं वो हमारे ऊपर निर्भर करता है तो समझदार व्यक्ति वो है जो अपनी शक्तियों को ज्यादा महत्व देता है भगवान की शक्तियों को ज्यादा महत्व देता है और समस्याओं को बहुत कम महत्व देता है जैसे कि श्री राम कर रहे हैं तो ये हमने बत्तीसवें स्वर्ग में पढ़ा अब ये वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं तो इसको प्रारंभ करने से पहले आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं ओम जी, जी आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है तो बहुत बहुत हमारा अभिनंदन छत्रपति शिवाजी महाराज को और हम प्रेरणा लें उनके जीवन से हम भी वैसे बने शुरवीर बने अब आप अपना प्रश्न पूछिए मेरा प्रश्न ये था कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बचपन में उनकी माता जी ने में उनको श्री राम जी की कृष्ण जी की कथा सुनाई थी उनका जो संस्कार बना था बचपन में क्या उसी संस्कार की वजह से वो महान बने आ, वो संस्कार भी है और उनके पीछे के पुण्य भी हैं तो ये तो देखो जो संस्कारों वाली बात है वो इतनी सूक्ष्म है कि कोई अपने बारे में भी ठीक ठीक नहीं बता सकता है तो दूसरे के बारे में तो हम क्या ही बता सकते हैं लेकिन जो हमने ग्रंथ इसमें शास्त्रों में पढ़ा अपने गुरुजनों से सुना तो उसके आधार पे शब्द प्रमाण के आधार पर हमने ये जाना है कि व्यक्ति के अपने संस्कार पीछे के वैसे ही होते हैं तो वो ऐसे माता पिता के यहाँ जन्म लेता है और फिर बचपन में जो माता पिता संस्कार दे देते हैं खास करके पाँच साल तक जो माँ संस्कार देती है वो व्यक्ति जिंदगी भर नहीं बोलता है कभी भी सारी जिंदगी की पढ़ाई एक तरफ और प्रारंभ के पांच वर्ष की शिक्षा एक तरफ दोनों बराबर है कितना भी पढ़ ले कोई व्यक्ति जाए कितना भी बड़ा कोई साइंटिस्ट बन जाए कितना भी बड़ा कोई विद्वान बन जाए लेकिन वो पांच वर्ष के जो संस्कार हैं, वो कभी नहीं भूलता है तो दोनों ही बातें हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की अपना पुरुषार्थ भी था और माँ के दिए हुए संस्कार भी थे टैलेंट हमेशा एक प्रतिशत होती है जो भी महान होते हैं ना उनमें 99% नाइन परसेंट तो पुरुषार्थी होता है टैलेंट का फर्क जो होता है वो एक प्रतिशत ही पड़ता है ज़्यादा नहीं पड़ता है ठीक है जी इधर दे दो माइक ठीक हम दीदी जी प्रणाम जैसे पिछले सर्ग में चल रहा था माता कौशल्या और माता सीता का संवाद चल रहा था उसमें स्त्रियों का आदि के कैसा सती कैसी होनी चाहिए या अच्छी गुण वाली या बुरी गुण वाली स्त्रियों के गुण आदि के विषय में चर्चा चल रही थी और आपने बताया कि स्त्री पुरुष में ये दोनों में लगता है नींद तो। लेकिन इसमें मूलतः रामायण में पिछले प्रसंग से चल रहा है कि माता केके ने जो थोड़ा दुष्टता या कुछ भी माने उसको दुर्गुण था कुछ अंश में हुँ। हुँ। तो उस विषय को दृष्टि रख के वो बोल रही है माता कौशल्य उनके हाँ नहीं ऐसा नहीं है कि वो उनको चिढ़ाने के लिए बोल रही है ऐसा नहीं है वो इसलिए बोल रही हैं कि सीता के मन में कहीं श्री राम की ऐसी स्थिति देख करके कहीं खिन्नता ना आ जाए तो ये क्वेश्चन था कि ये जो गुण बताए स्त्री में कैसे होने चाहिए कुछ अंश में माता केके में वो गुणों का थोड़ा अभाव था इसलिए वो बोले कि आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। नहीं करना है अच्छी स्थिति है बुरी स्थिति में तो एक पीछे श्लोक भी आया उसमें चौबीस नंबर श्लोक में कि उत्तम कुल किया गया उपकार विद्या भूषण दान संग्रह पति के द्वारा दिया गया स्नेह भी दुष्ट स्त्रियों के हृदय को परिवर्तन नहीं कर सकता या कुछ आलंबन मिलने पे वो संस्कार जग जाते। तो ये ऐसा होता है कि उत्तम कुल जैसे सूर्यवंश जैसा कुल भी और राजा दशरथ का इतना स्नेह प्यार भी माता के जो बुरा संस्कार था उसको चेंज नहीं कर पाए। जी तो ये होता है कि व्यक्ति का संस्कार बुरा है तो उसका चेंज नहीं हो सकता कभी ये भी है और ये भी है कि जिस समय आप असजग होंगे ना उस समय आप कुछ भूल कर देंगे मतलब आप एक तरफ से ये नहीं कह सकते हैं कि कई कई के चरित्र में कोई भी अच्छी अच्छाई नहीं है उत्तम कुल भी है उसका और ऐसे उत्तम लोगों का सानिध्य भी उसको मिला है और फिर भी वो तो बिल्कुल ही खराब है ऐसा नहीं कह सकते हैं उसमें बहुत अच्छे गुण भी हैं अच्छे गुण है इसलिए तो भरत जैसे पुत्र की वो जननी बनी है और इससे पहले का जो उनका जीवन देखते हैं श्री राम के प्रति उनका स्नेह भरत से भी ज्यादा है पर जिस समय उनको मंथरा कुछ बता रही है उस समय वो खुद सजग नहीं है और उसी भाव में बह जाती हैं तो कोई भी व्यक्ति सर्वथा बुरा नहीं होता है जिसको हम बुरा कहते हैं मतलब कोई एक आदमी लगातार दस साल अच्छा जीवन जी रहा है तो आप ये नहीं कह सकते कि इसके जीवन में कोई भी बुराई नहीं है क्योंकि संस्कारों का पता नहीं चलता ना कब कौन से संस्कार अभिव्यक्त हो जाएंगे व्यक्ति के श्रद्धे स्वामी सोमानंद जी महाराज तो इतने बड़े ऋषि थे इस युग के जिनकी मैं कई बार चर्चा करती हूँ ना तो उनसे एक बार एक व्यक्ति मिलने के लिए आए तो उन्होंने कहा कि महाराज जी ये तो बड़ा सुंदर आश्रम बना दिया आपने यहाँ आते ही मन को शांति मिलती है तो बोले भाई पता नहीं इस आश्रम ने हमें बना दिया या हमने आश्रम बना दिया ये तो कौन जानता है मतलब जा आश्रम ने हमें बना दिया क्योंकि हम आश्रम में आके बैठे लोग आने लगे लोगों को समझाने के लिए हमें अच्छा बनना पड़ा तो आश्रम ने हमें बनाया ना और फिर उन्होंने एक बात और कही कि हम कैसे हैं अच्छे हैं या बुरे हैं ये तो उस दिन पता लगेगा जिस दिन हम इस धरती से विदा होंगे ये तो इतना बड़ा व्यक्ति कह रहा है जिन्होंने सारे दोषों को दग्ध बीज कर दिया तो हमारे जैसे लोगों का तो फिर कई कई तो एक सामान्य ही व्यक्ति है ना कोई ऋषि तो है नहीं तो इसलिए व्यक्ति को कुछ पता नहीं होता है कि उसके कौन से संस्कार कब अभिव्यक्त तो हो जाएंगे और कौन कौन से संस्कार हैं पीछे के ये हमें क्या पता है अभी दिखाई थोड़ी देते हैं संस्कार तो इसलिए कहा जाता है कि हर समय जागरूक रहो क्योंकि जैसे ही वो बुरे संस्कार सिर उठाने लगेंगे तो जागरूक व्यक्ति है तो तुरंत उसको दबा देगा और प्रमाद से युक्त है तो वो अपना काम कर जाएंगे फिर आप पछताते रहना ऐसे होता है तो शिष्य की सैनिक जैसी सजगता कही है शिष्य और सैनिक दोनों एक ही जैसे होते हैं और एक तो जो संप्रदाय है सिख वो शिष्य से ही सिख बन गया गुरु के शिष्य थे वो लोग उन गुरुओं की परंपरा है ना गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी तक तो वो उनकी परंपरा में सैनिक की तरह से उसको सजग रहना होता है साधक को हमेशा जैसे सीमा पे जो सैनिक खड़े हैं थोड़ी सी देर के लिए प्रमाद कर दें, झपकी मार दें या टहलने चले जाएं। कल एक व्यक्ति का बीपी चेक कराना था हमारे वहां नीचे एमरजेंसी में एक डॉक्टर रहता है शाम को तो उसको ढूंढवाया भाई देखना जरा इसका बीपी बी चेक कर लें बोल जी वो तो कहीं टहलने गई और वो ऐसे टहलने गई कि आधे घंटे बाद आई जो इमरजेंसी में रहते हैं तो वो तो चलो कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं थी जिसका बीपी चेक करवाना था पर बाई चांस कभी ऐसी समस्या आ भी जाए तो फिर तो रोगी आधे घंटे के बाद तो मर ही लेगा तो एमरजेंसी वाले को टहलने थोड़ी जाना चाहिए कि चलो वो एक राउंड ले आते हैं आधा घंटा घूम के आ जाते हैं कहीं ऐसे नहीं होना चाहिए सैनिक कहीं घूमने चला जाए आधा घंटा तो इतनी देर में तो पता नहीं कितने घुसपैठ ही घुस जाएंगे देश में और तबाह कर देंगे देश को ऐसे ही साधक होता है वो अपना हर काम हर कदम फूक फूक के रखता है बड़ा सजग रहता है और हम तो गाते तो हैं जीवन का एक एक पल अनमोल है खजाना इनमें से एक पल भी नहीं लौट करके आना हम एक पल के भजन गाते हैं और हम एक दिन खराब करते हैं सप्ताह खराब करते हैं महीने खराब करते हैं वर्ष के वर्ष खराब करते हैं अगर मैं पूछूं कि कल मैंने क्या बताया था तो आप में से कोई विद्यार्थी बता पाएंगे क्या कि कल क्या बताया था मैंने रामायण की कक्षा में याद है जी बताइए हाँ। कल, बहुत अच्छी बात योगी नम पाती चलो सतीश जी ने कम से कम एक बहुत बढ़िया बात याद रखी तो अभिनंदन है ऐसे हमें याद रखनी चाहिए अच्छी अच्छी चीजें क्योंकि पकड़ेंगे तब फिर वो हमें याद आएंगी जीने के लिए और नहीं तो हम भूल जाते हैं मैं ये वस्तु मै श्रुतम मंत्र है ना अथर्वेद का पहला ही क्योंकि हमारा चित्त छलनी जैसे है ऊपर से डालो नीचे से निकल जाता है सुनते खूब है रहता तो नहीं है हमारे अंदर वो चला जाता है रहता कब है जब आप ये सोच के सुनोगे कि राम कैसे जीते थे और अब आप अपने साथ उसकी तुलना करो टैली करो दयानंद कैसे जीते होंगे चित्त की क्या स्थिति रहती होगी पूरे दिन उनकी भगत सिंह के चित्त की स्थिति कैसी होती होगी जेल में बैठे बैठे क्या सोचते होंगे श्रद्धे स्वामी जी महाराज पूरे दिन भर क्या चिंतन करते होंगे अभी क्या विचार चलते होंगे उनके चित्त में सेवा को कैसे बढ़ाना है कौन सी सेवा का कितना साइज करना है वो ही चलता है ना हमेशा एक ही तत्व चलता है जब आप अपने आप को वहां खड़ा करेंगे वहां बिठाएंगे तब आपको पता चलेगा अरे मुझे जो करना चाहिए वो तो मैं बिल्कुल हाथ ही नहीं लगा रहा हूं उस काम में तो मैं तो एक यंत्रवत बस एक दिन दो दिन ऐसे अपने दिन पूरे हो रहे हैं मेरे तो जीवन के तो ये तो फिर मेरा लोस है तब आएगी फिर तब सजगता आएगी तो फिर आप उससे बचेंगे तो ये अच्छे बुरे संस्कार हर व्यक्ति में पहले से भी हैं और यदि हम सजग नहीं हैं तो अभी भी बन रहे हैं तो पीछे वालों को ढूंढ के बीज करना है हटाना है और नए बनने नहीं देना है बस इतनी साधना है और ये तभी होगा जब आप ज्यादा से ज्यादा मौन रहेंगे मौन का मतलब एकाग्र चित्त अंदर से मौन रहना आप थोड़ी थोड़ी देर में ना अपने दिमाग को चेक करते रहो कि इसमें कौन से विचार चल हैं क्या इनकी जरूरत है अभी नहीं है तो क्यों संवाद करूं मैं आत्म संवाद क्यों करूं हमारा मन किसी भी वस्तु को किसी भी व्यक्ति को उठा करके कुछ भी विचार करने लगता है आपको पता लगे दुरुपयोग हो रहा है ये तो यंत्र का मुझे उससे क्या लेना देना है मेरे अंदर मेरी आत्मा के अंदर ही ब्रह्म भी तो है परमात्मा भी तो है ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय अर्जुन तिष्ठति सभी प्राणियों के हृदय में है तो जो मेरे अंदर है उससे बात क्यों नहीं कर रहा हूँ मैं उसके विचार क्यों नहीं चल रहे मेरे अंदर दूसरे के क्यों चल रहे हैं मैं उसको कुछ ठीक भी नहीं कर सकता हूँ इससे मेरा कोई कल्याण भी नहीं होने वाला है ऐसे साधक सोचते हैं फिर वो धीरे धीरे उन विचारों से किसी एक विचार पे शिफ्ट हो जाते हैं फिर एक विचार से भी वो निर्विचार में चले जाते हैं निर्विचार वही शारदे अध्यात्म प्रसादक जी और कोई प्रश्न है हो गया आपका चलो आगे चलिए तो अब वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं राम लक्ष्मण सीता माता अथ रामच सीता लक्ष्मण चलि उपसंगृह्य राजानं चक्रुर्दीनः प्रदक्षिणं तं चापि समनुज्ञाप्य धर्मज्ञसीतया सह राघवशोकसम्मूढो जननीम् अभ्यवादयत् अन्वक्षं लक्ष्मणो भ्रातुः कौसल्यामभ्यवादयत् अथ मातुः सुमित्राया जग्राहचरणौ पुनः तम वंदमानमृदति माता सौमित्रमब्रवीत् मा रामे प्रमादम आकारषिः पुत्र भ्रातृ गच्छति व्यसनी वा समृद्धो वा गति नरेश तवानघः ईश लोके सतां धर्मो जिष्ठवशगो भवेत यजिष्ठवशगो अथ इसके बाद रामश्च सीताश्च लक्ष्मणश्च जलि उपसंग्र राजिणम राजान प्रदक्षिणम चक्रु इसके बाद इन तीनों ने महाराजा दशरथ को हाथ जोड़ करके कृतांजलि हाथ जोड़ करके और राजनाम उपसंग्रह उनका चरण स्पर्श करके प्रदक्षिणम चक्रु दीनाहा जो दीन अवस्था को प्राप्त हैं, दीन दुखी हैं, उनकी नहीं इसका विशेषण है राम का क्योंकि जा रहे हैं ना तो इन्होंने अपने पिता के चरण स्पर्श किए उनकी प्रदक्षिणा की तो ये एक तरीका है प्रणाम करने का प्रदक्षिणा का मतलब जैसे मंदिर की प्रदक्षिणा करते हैं ना तो इसका अभिप्राय क्या है सब तरफ हम भगवान को ही देख रहे हैं और उनको अभिवादन कर रहे हैं तो ऐसे ही अपने माता-पिता की जो प्रदक्षिणा की जाती है उसका भी यही अभिप्राय है कि माता पिता ही हमारे लिए भगवत स्वरूप हैं, देवता स्वरूप हैं और हम हर तरफ से उनके प्रति नमन करते हैं झुकते हैं उनके प्रति तमचापी समुज्ञाप्य धर्मज्ञ सीता राघव समनुज्ञाप्य धर्मज्ञ धर्मज्ञ श्री राम धर्म को जानने वाले श्री राम के लिए ना ये विशेषण बहुत आता है धर्मज्ञ और एक बात इनके जीवन में आती है कि वो धर्म को सर्वोपरि मानते हैं श्री राम तो ये कह रहे हैं धर्मज्ञ तम चापी समनुज्ञाप्य सीतया सह धर्मज्ञ श्री राम ने तमचापी समनुज्ञाप्य अपने पिता को ये बताया कि अब हम जा रहे हैं उनसे आज्ञा ली सीता सह सीता के साथ राघव शोक सम्मूढ़ और ये शोक इनको भी शोक है श्री राम को भी क्योंकि माता पिता दोनों रो रहे हैं तो ये भी शोक से युक्त हैं शोक सम्मूढ़ जननीम अभ्यवादयत और माता कौशल्या भी शोक से युक्त हैं, दशरथ जी भी शोक से युक्त हैं तो ऐसे राघव ने उन अपनी माता को पहले पिता को प्रणाम किया फिर अपनी जननी को प्रणाम किया कौशल्या माता को प्रणाम किया अनुवक्षम लक्ष्मण भ्रतू अभ्यवादयत अथ मातु सुमित्राया जग्राह चरण पुनः तो जब श्री राम अपने माता पिता को प्रणाम कर चुके तो लक्ष्मण भ्रातु अनवक्षम कौसल्याम अभ्यवादयत श्री राम जब माता कौसल्या को, को प्रणाम कर चुके तो फिर लक्ष्मण ने प्रणाम किया अपने भाई का अनुसरण करते हुए अथ इसके बाद मातु सुमित्राया चरण पुनः जग्राह पहले माता कौशल्या को, को प्रणाम किया क्योंकि वो बड़ी हैं और उसके बाद अपनी जननी माता सुमित्रा माता को प्रणाम किया लक्ष्मण जी ने तम वंदमती माता सोमित्रिम अब्रवीत रामे प्रमादम पुत्र सौमित्रीम गच्छति तो जब वो प्रणाम कर रहे थे तम वंदमानम उस प्रणाम करते हुए पुत्र को माता ने कहा माता सौमित्रीम अब्रवीत सौमित्रीम माने लक्ष्मण लक्ष्मण को माता जी ने कहा सुमित्रा माता ने कहा भ्रातरी गच्छती भाई के साथ जाते हुए रामे भ्रातरी गच्छती तुम अपने भाई राम के साथ वन में जा रहे हो तो इनके साथ जाते हुए प्रमादम माकारषी ही पुत्र हे पुत्र प्रमाद मत करना कोई सेवा में क्योंकि लक्ष्मण किस लिए जा रहे हैं सेवा के लिए तो सेवक को कभी भी प्रमाद करने का या ना कहने का अधिकार नहीं होता है हम बोल देते हैं ना जी हम तो स्वामी जी महाराज के सेवक हैं भाई हम तो अपने गुरु के सेवक हैं हम तो भगवान के सेवक हैं हम तो देश के सेवक हैं ऐसे बोल देता है व्यक्ति बोल तो देता है सेवक लेकिन फिर उसको कुछ काम बताएं तो बोल जी इस, इसको छोड़ के ना और कोई भी बता दो इस सेवा को छोड़ के बस सुबह सुबह चार बजे उठने का मत कहो बाकी और जो कहोगे वो कर लेंगे अच्छा ठीक है पांच बजे उठ जाए कर तो पांच बजे उठ करके आपको सौ दंड लगानी है या पांच सौ दंड बस इस इस को छोड़ के ना बाकी और कुछ करा लो उसमें मेरे पैर दुखते हैं मतलब करना आपने मन मर्जी का और बोलना क्या सेवक हूँ तो सेवक को ये बात भी श्रद्धे स्वामी सोमानंद जी महाराज जी बोलते थे वो बोलते थे सेवक को ना कहने का अधिकार नहीं है वो ना नहीं कह सकता है सेवक तो कोई बिरला है जो आठों पहर रहे जाग ऐसे बोलते थे सेवक होना बड़ा कठिन काम है